Cylindrical projections. So, the first type of cylindrical projection, yeah, before um, starting off, let's revise the concept. Cylindrical, uh, the term cylindrical means when we uh, wrap the paper or the map around the globe in the form of a cylinder. Okay, let me know if my voice is clear.

प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन का मतलब है टू कास्ट शेडो और टू कन्वर्ट थ्री डायमेंशनल अर्थ इन टू अ टू डायमेंशनल मैप और अ पेपर सो सबसे पहली टाइप जो सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन की हम आज करेंगे दैट इज द ट्रू सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन वो प्रोजेक्शन जो सही मायनों में सिलेंडर को यूटिलाइज करे आप इट्स इट्स लाइक दैट um and this is also called as a perspective projection and uh, it is also called as natural cylindrical projection so jabham kathayanki perspective type hai So that means K light source use Kiga. Some of the students have the voice issue, some do not have. I think it's uh, your internet connection problem. okay so ismay uh, light source has been used and where is the light kept it is kept in the center although yahapar sawal mentioned nahi when likin true cylindrical projection hoga so ismay light source is kept in the center yani this is mnemonic projection as well cylindrical mnemonic projection Okay so uh, question is draw a true cylindrical projection for the eastern hemisphere using rf 1 ratio 250 million and the projection interval of 15 degrees तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है जो हम नोमानिक प्रोजेक्शन के अंदर नहीं देख रहे थे द जैनिथल प्रोजेक्शन और वो है ईस्टर्न हेमीस्फेयर जब हम जैनिथल प्रोजेक्शन बना रहे थे तो उसमें या तो नॉर्दर्न हेमीसफेयर आता था या सदर्न हेमीस्फेयर आता था, था क्योंकि हम पोल के पर्सपेक्टिव से देखते थे बट यहाँ पर आ, वी विल ड्रॉ ऑल द सिलड्रिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम द परसपेक्टिव ऑफ इक्वेटर यानी इक्वेटोरियल केस होंगे ये सारे प्रोजेक्शन के पेपर विल बी टचिंग द ग्लोब एट इक्वेटर दिस इज अंडरस्टुड फॉर द प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स नेम ठीक है सो वैन द पेपर इज टचिंग द ग्लोब एट द इक्वेटर तो फिर हमारे पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि ईस्टर्न हेमीस्फेयर या वेस्टर्न हेमीस्फेयर या फॉर द होल अर्थ दिस इज़ द प्रोजेक्शन विच कैन बी ड्रॉन फॉर द होल अर्थ एज वेल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में हम एट अ टाइम पूरी दुनिया को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि द पेपर इज रैपिंग द होल अर्थ ठीक है यहाँ पर मैंने ईस्टर्न हेमीस्फेयर का केस लिया है जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर कि हम एक हेमीस्फेयर भी ले सकते हैं और हम पूरा ग्लोब भी ले सकते हैं सो वील मेक फॉर ईस्टर्न हेमीसफेयर और ईस्टर्न हेमीस्फेयर का एक्सटेंट होता है जीरो डिग्रीज लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम रेडियन से लेकर वन एटी डिग्री ईस्ट तक की जो रेंज uh, है दैट इज़ द ईस्टर्न हेमीस्फेयर और वन एटी डिग्री ईस्ट की जो लाइन है वो वन एटी डिग्री वेस्ट की भी लाइन है एंड दैट लाइन इज़ कॉल्ड एज द इंटरनेशनल डेट लाइन ऑल दो दैट इज़ मॉडिफाइड और इंटरनेशनल डेट लाइन सीधी नहीं होती है बल्कि वो Uh, थोड़ी कर्वड और उसमें डिफरेंट टर्नस आते हैं ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द दू ट्रू सिलेंडर का प्रोजेक्शन और हर प्रोजेक्शन को करने से पहले हमें कुछ बेसिक स्टेप्स करने होते हैं वी हैव डन इट मैनी टाइम्स सो वो क्या स्टेप्स हैं कि वी हैव टू डू द कैलकुलेशन पहली कैलकुलेशन है रिड्यूस्ड रेडियस निकालना एंड हाउ द रिड्यूसड रेडियस इज कैलकुलेटेड एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई द आर एफ ग्राउंड वैल्यू तो ये अर्थ का एक्चुअल रेडियस है टू फिफ्टी मिलियन इंचज़ या सिक्स थर्टी सेवन सेंटीमीटर आप कोई भी नंबर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं और आर एफ का ग्राउंड वैल्यू वो आप क्वेश्चन में से देखेंगे वो है टू फिफ्टी मिलियन सो हेयर इट इज़ चलें हमने आई हैव सेलेक्टेड इंच क्योंकि मुझे इंच पे जाना ज़रा इट्स स्लाइटली इजियर सो आई गो फोर इंच और ये डिपेंड करता है आर के ग्राउंड वैल्यू पर आर एफ़ की क्या ग्राउंड वैल्यू है अदर इट इज सूटेबल फॉर सिक्स थर्टी सेवन और इट इज़ सूटेबल फॉर टू फिफ्टी मिलियन सो मैंने डिवाइड किया एक्चुअल रेडियस को आर के ग्राउंड फिगर से तो मेरे पास रिड्यूस रेडियस आया वन इंच सो दिस इज़ द कैलकुलेशन ऑफ रिड्यूस रेडियस एंड देन उसके बाद हम करते हैं लिस्ट ऑफ द लाइन्स हैव टू मेक इन द प्रोजेक्शन और वो लिस्ट ऑफ लाइन्स हम बनाते हैं इंटरवल के अकॉर्डिंग कि क्या इंटरवल गिवन है क्वेश्चन में क्वेश्चन में गिवन था इंटरवल ऑफ़ डिग्रीज सो फिफ्टीन डिग्रीज के इंटरवल के अकॉर्डिंग वी विल मेक द लिस्ट ऑफ पैरल्स यहाँ पर यू कैन सी वी हैव द लिस्ट ऑफ पैरल्स फॉर बोथ द हेमीसफेयर नॉर्दर्न हेमीफियर और सदर्न हेमीसफियर ठीक है 15 डिग्री फिर 30, 45, 60, 75, 90 डिग्री नॉर्थ और इसी तरह फिर हमने सदर्न हेमिस्फीयर के लिए बनाया 15 डिग्री साउथ 30 डिग्री साउथ 45 डिग्री साउथ 60, 75 एंड 90 डिग्री साउथ राइट सो दिस इज़ द लिस्ट फॉर पैरेलल्स और मेरीडियंस की लिस्ट क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न हेमिसफेयर को बनाना था इसलिए मैंने मेरीडियस की लिस्ट वन डिग्री ईस्ट तक बनाई है मैंने वेस्ट वाली वेस्ट वाले मेरीडियंस नहीं लिए बिकॉज इट वॉज़ रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन और अगर आपको पूरा ग्लोब बनाना हो तो आप इस लिस्ट को भी एक्सटेंड करेंगे और राइट सो क्योंकि ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में हमें प्रोजेक्शन बेस बनानी होती है और फिर एक्चुअल प्रोजेक्शन हम बनाते हैं सो टू मेक द प्रोजेक्शन बेस पहला स्टेप है ड्रॉ अ सर्कल

projection right so here let's draw first step here draw a circle equals to the reduced radius so here i have made a circle equals to the reduced radius ignore these lines for now okay i will be needing it that's why i have, I have not Erase this. ये पहला स्टेप ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अनास टू रेड्यूस रेडियस फिर दूसरा है यूजिंग प्रोटेक्टर और डी मार्क पैरल एंगल्स ऑन द सर्कल ऑन टू क्वाड्रेंट्स पिछले प्रोजेक्शन में हम एक क्वार्रंट पर बनाते थे पैरलेल uh, के एंगल्स लेकिन यहाँ पर हम दो क्वार्रेंट्स में बनाएंगे क्वार्रेंट मीनस वन फोर्थ ऑफ अ सर्कल सो लेट्स सी देर आफ्टर मेकिंग द सर्कल मैंने एक हरजॉन्टल लाइन बनाई पासिंग थ्रू द सेंटर और फिर मैं उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दूँगी दैट विल बी माए या सो आई हैव नाओ फोर क्वाड्रेंट्स इन में से मुझे दो क्वाड्रेंट्स पर एंगल्स मार्क करने हैं ओके दिस क्वाड्रेंट एंड देन दिस वन Okay, so now we will mark angles. And to mark the angles, I need some. आप लोग यहाँ पर डी प्लेस करेंगे डी में जो हर डी की जो स्ट्रेट लाइन है दैट स्ट्रेट लाइन विल बी कैप्ट अलॉन्ग दिस लाइन ठीक है डी की लाइन को आप यहाँ पर प्लेस करेंगे सीधी वाली लाइन को और डी आपका यू टेढ़ा सीधे हाथ की तरफ प्रोजेक्ट होगा और फिर आपको ये सारे एंगल्स मार्क करने हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरवल्स and never mind qk i'm doing it according to guesswork so this is 15 degrees then i have then uh, for 15, 30 45 एंड दिस वन विल भी सिक्सटी एंड देन ईल मार्क द सेवेंटी फाइव डिग्रीज लाइन ओके तो ये नॉर्दर्न हेमिसफेयर के एंगल्स मैंने मार्क कर दिए हैं नाउ आई विल मार्क द सेम फॉर द सदर्न हेमिसफेयर दिस इज़ टेकिंग टाइम बिकॉज आई हैव मेड द सर्कल स्मॉलर और इसकी भी वजह है सर्कल को स्मॉल बनाने की क्योंकि जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो इट विल बी बी नीडिंग लार्जर स्पेस डैट्स वाई ओके सो हम मार्क कर रहे हैं एंगल्स मैं एंगल्स को गैस वर्क से मार्क कर रही हूँ यू विल मार्क द एंगल्स यूजिंग द डी 15 डिग्री के एंगल पे यू विल मार्क ऑल द एंगल्स ओके ये एंगल्स मार्क हो गए अब इसको आपने लेबल करना है लेट मी इंपोर्ट लेबल फ्रॉम अ प्रीवियस स्लाइड जस्ट टू सेव टाइम एंड लेट्स सी ओके सो दिस इज 15 degrees नॉर्थ और इसी तरह से आप सारे एंगल्स को मार्क कर देंगे सो हियर वी हैव marked ऑल द पैरल्स इन बोथ हेमीस्फेयर्यर्स ठीक है दो क्वार्रेंट्स पर हमने मार्किंग की उसकी और फिर उसको ऊपर वाले क्वारड्रंट को नॉर्थ नॉर्दन हेमीसफेयर के लिए और नीचे वाले क्वारड्रंट को सदर्न हेमीसफेयर के लिए सो so, uh, हमने सबसे पहले सर्कल बनाया उसके बाद उसके क्वारड्रेंट्स बनाए क्वाड्रंट के बाद एंगल्स मार्क किए और फिर एंगल्स को लेबल कर दिया दैन मेक अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो हमने सर्कल बनाया है इसमें हमें एक टेंजेंट बनाना है जो कि इक्वेटर के परपेंडिकुलर हो इक्वेटर क्योंकि हरिजॉन्टल है तो टेंजेंट हमारा वर्टिकल होगा ओवर हीयर ठीक है यूज़ सेट स्क्वायर फॉर दिस परपजस या आप डी रखते हुए नाइंटी uh, डिग्री का एंगल मार्क करें डी को इस लाइन के अलाग रखें डी की सीधी लाइन को आप यहाँ पे प्लेस करें और फिर सॉरी डी की सीधी लाइन को इस लाइन में एक्सक्यूज मी फॉर दैट यहाँ पर आपको डी uh, को आप ऐसे प्लेस करेंगे यानी डी आपका इस शेप में होगा एंड देन 90 डिग्री मार्क करें और फिर सीधी लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ कर दें दिस इज द परपेंडिकुलर टू द 90 डिग्री लाइन एक्चुअली दिस इज सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन सो केस क्या है कि अ सिलेंडर एक्चुअली कवर्स द होल अर्थ लाइक दिस शेप फिल नो फिल ओके सो दैट्स हाउ द सिलेंडर इज कवरिंग द अर्थ क्योंकि ये प्रोजेक्शन है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन ठीक है तो इस तरह से सिलेंडर अर्थ को कवर करता है तो हम पूरा सिलेंडर हमें नहीं हम नहीं बनाते बल्कि हमें एक साइड पे प्रोजेक्ट करना होता है दैट्स वाई वी हैव ड्रॉन वन परपेंडिकुलर ये जो ब्लैक लाइन मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी वो लाइन हम uh, हमने बना दी अगर आप अपना लाइक फॉर योर रिमेंबरेंस इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रॉ टू टू स्कैच दिस सिलेंडर यू कैन डू दैट ताकि आपको भी आसानी रहे और आपका कॉन्सेप्ट भी बना रहे अदरवाइज इफ़ यू आर मेकिंग वन लाइन ऑन वन साइड इट्स परफेक्टली फाइन आप चाहें तो कॉर्डेंट राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड वाले दोनों कॉर्ड्रेंट यूज़ कर लें इट्स टोटली अप टू यू एंडिपेंडिंग अपॉन द पेपर क्या पेपर की किस साइड पर वर्कआउट कर रहे हैं जनरली क्योंकि वी डू थिंग्स फ्राम द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज दैट्स वाई मैंने लेफ्ट साइड पर सर्कल बनाया और अब मैं प्रोजेक्ट करूँगी उसे राइट right साइड पर ओके ना दिस इज द मेकिंग ऑफ टेंजेंट ना लेट्स वट डू वी हैव ओके वी हैव मेड द टेंजेंट अब नेक्स्ट स्टेप है जॉइन द सेंटर ऑफ द सर्कल विद फिफ्टीन डिग्री नॉर्थ मार्किंग एंड एक्सटेंड टू मीट द

टेंजेंट और हमें ये टेंजेंट पे जो पॉइंट है इसको मार्क करना है दिस इज व्हाट वी इज नीडेड फॉर द सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन नाउ वी विल ज्वाइन सेंटर आप स्केल रखिए सेंटर पे स्केल को मिलाइए थर्टी डिग्रीज वाले मार्क से और फिर एक्सटेंड कर दें लाइन को टेंजेंट से यानी ये ब्लैक वाली लाइन जो है उससे मिलाने के लिए नाउ वी विल सी दिस इन सेंटर और इसको हम मिलाएंगे 45 फाइव डिग्रीज की लाइन से और इसको फिर आगे प्रोजेक्ट कर देंगे कि ये ब्लैक वाली लाइन को मीट करे। देन दिस वन हियर एंड वी विल ज्न देंटर विद द सिक्सटी डिग्री लाइन और उसको एक्सटेंड करेंगे टू मीट द ब्लैक लाइन नाव अगेन विद द सेंटर वी विल जॉइन विद सेवेंटी फाइव डिग्रीज और नाव यू सी इस शेडो की वजह से हम सर्कल को मैंने पेपर पर स्मॉल बनाया था एल है दिस फॉर अ मिनट पेज में आपके जितनी गुंजाइश हो आप उतनी लंबी लाइन बनाइएगा ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। ओके एंड द 90 डिग्री विल नॉट बी प्रोजेक्टेड क्योंकि जब आप 90 डिग्री का शेडो बनाएंगे तो 90 डिग्री का शेडो टेंजेंट के पैरेलल होगा सो इन ट्रू सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन पोल्स आर नॉट प्रोजेक्टेड बिकॉज द शेडो ऑफ पोल इज़ पैरेलल टू द टेंजेंट ठीक है और पैरेलल जो लाइंस होती हैं वो कभी भी मिलती नहीं है सो so बस हम सेवेंटी फाइव तक प्रोजेक्ट करेंगे अब यही काम हमने करना है सदर्न uh, हेमीसफेयर के लिए सेंटर से फिफ्टीन डिग्रीज़ को ज्वाइन किया और इसी तरह वी विल टेक सेंटर एंड मीट दैट विदर्टी डिग्रीज एंड देन वी विल ज्वाइन द फोर्टी फाइव डिग्री साउथ लाइन मार्किंग विद द सेंटर और इसी तरह से हम लेंगे सेंटर पे स्केल को रखा सेंटर पे और फिर स्केल का दूसरा पॉइंट रखा सिक्सटी डिग्रीज पे और फिर उस लाइन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक्सटेंड करेंगे कि वो टेंजेंट तक चली जाए लाइन सो नाउ द सेवेंटी फाइव डिग्री वन हमने सेंटर पे स्केल रखा स्केल को सेंटर और सेवेंटी फाइव से ज्वाइन किया और उसको हम एक्सटेंड करेंगे कि ये पेज के एंड तक चला जाए ओके okay, यहाँ पर थोड़ा सा पैरालिक्स आ रहा है कि मेरी लाइन 75 फाइव से एक्जैक्टली नहीं जा रही है बिकॉज मेरा पेज स्पैन ख़त्म हो गया है बट व्हेन यू विल बी ड्राइंग इट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज लाइंस एंड दीज मार्किंग्स ठीक है बिल्कुल प्रिसाइसली जहाँ पे आपने मार्किंग की होगी एंगल की स्केल बिल्कुल उसी के ऊपर से रन करना चाहिए वो जो लाइन आप ड्रा करेंगे दैट लाइन शुड स्टार्ट

मार्क करना है और लेबल करना है दिस वन दिस वन और क्या लेबल होगा ये ज़ीरो डिग्री है एग्जैक्टली exactly सेंटर पे दूसरी मार्किंग फिफ्टीन की थर्टी की फोटी फ़ाइव की दिस वन इज सिक्सटी और ये लास्ट जो सबसे ऊपर है ये सेवेंटी फाइव डिग्रीज नॉर्थ की लाइन इसी तरह से फिफ्टीन uh, डिग्री साउथ थर्टी डिग्री साउथ फोर्टी फाइव डिग्री साउथ सिक्सटी डिग्री साउथ और ये लास्ट वाली जो सबसे नीचे है दिस इज़ सेवेंटी फाइव डिग्रीज़ साउथ लाइन सो यू हैव टू टेक यू हैव टू कंसिडर दिस

हाओ यू विल डू दैट टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर एक पेपर का पतला स्ट्रिप लें और उस स्ट्रिप को इस लाइन के अलॉन्ग रखें और स्ट्रिप पर हर निशान से आप ऐसे ऐसे निशान लगा दीजिए जिस तरह से ये मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है लेट्स सपोज के आपका दिस इज़ यर पेपर ठीक है आपने पेपर को यहाँ रखा ठीक है अब पेपर को यहाँ रखने के बाद आप लेंगे पेंसिल एंड विद द पेंसिल आप क्या करेंगे ये मार्किंग यहाँ पर है ओवर हेयर इट्स वेरी डार्क तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन आपको क्योंकि पेपर और पेंसिल आपके सामने होगी तो इट विल बी इजी फॉर यू आप ऐसे मार्किंग कर देंगे ठीक है तो so, यहाँ पे मुझे 15 डिग्रीज का मार्क नज़र आ रहा है सो दैट्स हाउ यू विल डू दैट ये ऑरेंज जो शेप uh, है दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रिप ऑफ पेपर ताकि हम डिस्टेंसेज जो हैं वो कहीं पर भी किसी दूसरे पेज में कॉपी करना हो तो हम इस तरह से ऐसे रख के और उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं पेपर में अगेन इस काम को भी बहुत प्रिसाइसली करना होता है बारीकी से ताकि चांसेस ऑफ एरर कम से कम हो दूसरा तरीका ये है कि यू टेक द कंपास और वो मेरे ख़्याल है दैट इज़ द बेटर वे टेक अ कंपास एंड मार्क आई मीन जीरो पे रखे फिफ्टीन का आर्क खोलें फिर आप मेन एक्चुअल प्रोजेक्शन में जाएं निशान लगाएं इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं ओके okay, सो so, इस तरह से आपने मार्किंग करनी है एम डूइंग दीज मार्किंग ताकि मैं इन सबको वहाँ पे इकट्ठे कॉपी कर लूँ थर्टी डिग्रीजेन फोर्टी फाइव आई हैव मेड दीज लाइन्स लौंगर ताकि इनको ट्रेस करना आसान हो जाए सो so नाओ जो काम आप स्ट्रिप पे करेंगे मैंने वो लाइंस वर्टिकली यहाँ पे बनाई हैं एंड नाउ आई एम कॉपियंग दीज लाइंस एंड पेस्टिंग दो लाइन्स ओवर हेयर तो ये एक्जैक्टली exactly वही डिस्टेंस आ गया जो मुझे चाहिए था ओके okay, सो so ये मार्किंग हमने कर ली और वट दीज मार्किंग्स आर ये है सेवेंटी फाइव डिग्रीज लेट मी ब्रिंक दीज फ्राम हेयर अब आवाज़ आ रही है तो आवाज़ का बहुत इशू हो जाता है एक्चुअली राइट नाउ आई एम नॉट स्पीकिंग या दैट्स वाई सो वी हैव कॉपीड द लेबल्स सो दिस इज़ सेवेंटी फाइव और लाइन के लेफ़्ट पे मैं लेबल कर रही हूँ इफ़ यू नोटिस सो आप भी लेफ्ट साइड पे लेबल कीजिएगा और सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के अंदर हमें दोनों साइडों पर लेबल करनी होती है लेफ्ट साइड पे भी और जब प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसके राइट साइड पर भी फिफ्टीन डिग्रीज़ीरो Fifteen degrees south, forty five degrees south, sixty. I must have selected some more, some extra lines. Never mind. ओके सेवेंटी फाइव सिक्सटी फोर्टी फाइव थर्टी इज मिसिंग ठीक है ये हमने सो वी हैव मार्क्ड All the parallels. Now we will draw the equator, which will be a horizontal line. ठीक है। Equator draw करने के लिए हमें एक horizontal line बनाएंगे। लेकिन problem यह है कि व्हेन वी आर ड्राइंग द हॉरिजॉन्टल लाइन तो उस लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए राइट जैनथल प्रोजेक्शन के अंदर ये इशू नहीं आता था क्योंकि हमें हम सर्कल की बेस पे काम करते थे वी यूज टू ड्रॉ सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस लेकिन सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के अंदर हमें इक्वेटर बनानी है एक इन द फॉर्म ऑफ अ हॉरिजोंटल लाइन एज यू कैन सी हियर लेकिन इस लाइन की एक लेंथ होगी और वो क्या लेंथ है द इक्वेटर इज इक्वल टू द सर्कम फेयरेंस ऑफ अर्थ राइट इक्वेटर की लेंथ सर्कम ऑफ अर्थ के बराबर है अर्थ एक बॉल की तरह का स्ट्रक्चर है और बॉल यानी कि एक स्फेयर है एक सर्कल है और सर्कल का जो सर्कम होता है वो ही आ, अर्थ का इक्वेटर है यानी इक्वेटर की लाइन अगर आप देखें तो वो दुनिया को चारों तरफ से आ, कवर कर रही है सो so, अर्थ यानी कि हमें इक्वेटर बनाने के लिए अर्थ का सर्कम चाहिए होगा और सर्कम का ज्योमेट्रिकल फार्मूला है टू पाए आर राइट सो so, हम कैलकुलेशन वाले पेज पे जाते हैं दोबारा से हियर दिस वन नो सो हियर वी विल डू एनदर कैलकुलेशन और वो कैलकुलेशन है Length of Equator or Length of Equator Barabarhe mm -hmm. two mm -hmm. Pi. I have to insert the Pi sign. सो टू पाए आर राइट ये है इक्वेटर की लेंथ और टू मल्टीप्लाई बाय पाई इज थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई बाय आर आर हमने यहाँ ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है जो कि है वन के बराबर तो इट विल बीस पॉइंट टू एट inches ठीक ये आ गया लेंथ ऑफ इक्वेटर लेकिन इफ यू रिमेंबर द क्वेश्चन फॉर दिस प्रोजेक्शन तो सवाल में था वी हैव टू मेक द प्रोजेक्शन फ़ॉर ईस्टर्न हेमीस्फेयर सो हमें ईस्टर्न हेमीस्फेयर के लिए प्रोजेक्शन बनानी है दैट मीन्स के ईस्टर्न हेमीस्फेयर दुनिया का हाफ इक्वेटर तो पूरे अर्थ को कवर करता है लेकिन हमें एक हेमीस्फेयर का करना है सो फॉर वन हेमीस्फेयर थ ऑ ऑ ऑफ इक्वेटर डिवाइडेड बाय टू सो इक्वेटर की लेंथ हमारे पास आई है सिक्स पॉइंट टू एट इंचिस इसको हम डिवाइड करेंगे टू से तो हमारे पास आ जाएगा थ्री पॉइंट वन फोर और इसका दूसरा तरीका यह है कि आप लेंथ ऑफ इक्वेटर का फॉर्मूला लीजिए टू पाई आर पॉन टू इसको टू पाए आर अपॉन टू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला पाई आर राइट सो इट कैन गो आइदर वे

और यहाँ ये जो लेंथ हम रखेंगे दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू थ्री पॉइंट वन फोर इंचज ठीक आई एम नॉट यूजिंग द स्केल ऑल दो यहाँ पे रूलर बना हुआ है लेकिन आप समझ लें ये थ्री पॉइंट वन फोर की लाइन है और ये इक्वेटर हो गया अब इस पे आपने

<clears> thank <throat> After making all these, uh, this vertical line on the other side of the projection, what you are going to do is that you will copy these marking on the other side. Yehi marking apne jo parallel ki marking hai, usse dusri side par bhi. ट्रेस आउट करना है दिस फिफ्टीन डिग्री साउथ वॉज लेफ्ट ओके और इसकी मार्किंग आप या तो सेट स्क्वायर को आप यहां पे रखें और उसके ऊपर पेंडिकुलर मार्क कर दें या फिर पेपर स्ट्रिप वाला मेथड जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया आप उस मेथड से भी इसको कर सकते हैं यू हैव टू ट्रेस ऑल द मार्किंग देयर नाउ व्हाट यू विल डू आफ्टर मार्किंग ऑल द पैरल ऑन द अदर साइड ड्रॉ हॉरिजोंटल लाइंस टू कनेक्ट मार्किंग ऑन बोथ साइड्स ड्रॉ हॉर्जोंटल लाइन्स टू कनेक्ट द मार्किंग ऑन बोथ साइड्स एंड लेट मी मॉडिफाई दीज This point is not. Draw the equator as a horizontal line perpendicular to the vertical line. ये हम कर चुके हैं आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द स्टेप्स इक्वेटर एज अ परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल लाइन मेक अ मेक एन अदर वर्टिकल Line on the other end of equator. Mark the parallels on that line. Join the parallel markings on.

ये आपके पैरेलल्स बन रहे हैं एंड रिमेंबर दैट दिस इज प्रोजेक्शन इन विच लॉट ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन तो उसमें अक्सर इशू ये आ जाता है कि एक साइड पर तो बहुत अच्छे से uh, डिस्टेंस को मार्क किया होता है लेकिन दूसरी साइड पर लाइनें करीब करीब आ जाती हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा क्योंकि इससे फिर एरर आता है और आपका प्रोजेक्शन फिर इनकरेक्ट कंसिडर होगा सो वी हैव ड्रॉन ऑल द पैरेलल्स और इसके राइट right साइड पे भी आपने लेबलिंग करनी है जो लेबल आपने यहाँ किया है वही लेबल इसी साइड पे ओके ऑल द पैरेलल्स आर डन नाउ वी हैव टू ड्रा वर्टिकल्स, वर्टिकल लाइंस। सो जो लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई थी ज़ीरो डिग्रीज की लाइन तो ऑलरेडी बनी हुई है फिर सी वी ऑलरेडी हैव द ज़ीरो डिग्रीज लाइन ये जो है दिस इज दीरो डिग्री लाइन Right, and this is the one eighty degrees line. So we have two lines. Or center में kidney lines हैं? Let's see there. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. We have ten lines in the middle. सो थ्री पॉइंट वन फोर की ये लाइन थी इक्वेटर इसको आप डिवाइड करेंगे ट्वेल्व से ओके बिकॉज देर आर ट्वेल्व वर्टिकल लाइंस इन ऑल जीरो को हम अगर हटा दें ज़ीरो डिग्रीज़ यानी प्राइम मेरिडियन को अगर हम हटाएँ और वन एटी डिग्रीज़ तक जाएँ तो वी हैव मेरिडियंस सो वी विल ड्रॉ थ्री पॉइंट वन फोर विद टूल्व सो वॉट आई डू इज़ मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर थर्टी लाइन्स ट्वेल्व लाइन्स बनानी हैं ठीक है तो फॉर देट वॉट आई विल डू सबसे पहले मैं इस लाइन को बाइसेक्ट करूंगी करूँगी एंड आई हैव टोल्ड यू द बाइसेक्शन मेथड आप इस एज पर किसी भी एक लाइन को पिक कर लें किसी भी एक पैरेलल uh, uh, को कीप योर कंपास हियर और कंपास को मोर देन हाफ ओपन करें ऊपर एक आर्क लगाएं नीचे एक आर्क लगाएं फिर कंपास को दूसरे एंड पे प्लेस करें जो आर्क पहले से ऊपर लगा हुआ था उस आर्क को क्रॉस करें और जो आर्क पहले से आपने नीचे बनाया है उसी आर्क को क्रॉस करें नाउ यू हैव टू पॉइंट्स दोनों आर्क यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे और नीचे क्रॉस कर रहे थे उन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो लाइन आपकी बाइसेक्ट हो जाएगी सो हियर आई हैव नाउ ये हमारे पास सेंटर वाली लाइन आ गई so, सो uh, बारह लाइनें हमें बनानी थी हमने इसको दो में डिवाइड कर दिया मीन्स हमें यहाँ पर छः लाइनें बनानी है और यहाँ पर छः लाइनें बनानी है तो सिक्स लाइंस के लिए अगेन आई विल बाइसेक्ट दीज इस दफा कंपास मैं इस कोने पे रखूंगी और इस कोने पे बाइसेक्शन मेथड से आप जब मेरिडियंस बनाएंगे सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के अंदर तो ये थोड़ा फास्टर वे होता है अगर आप 3.14 को 12 से डिवाइड करेंगे तो उसमें फ्रैक्शनल फिगर्स आएंगे, डेसिमल के नंबर आएंगे और आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो शुरू में तो बराबर आ रहे होंगे और आखिरी वाला बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी वी डू वी गो फॉर बायसेकशन मेथड्स, ठीक है सो हमने इसको बायसेकट किया अब यहाँ पर भी दूसरी साइड पर भी हमें इसको करना है बायसेकट्रोल सी इसे भी हमने बाइसेक्ट किया और किस तरह से बाइसेक्ट किया कंपास को इस एज पे रखा ऊपर नीचे आर्क लगाएं फिर कंपास को इस एज पे रखा ऊपर नीचे आर्क लगाएं सो so, अच्छा जी अब बारह में से वी हैव नाउ मेड वन टू थ्री फोर चार हमारे पास कंपार्टमेंट uh, बन गए मींस के हर कंपार्टमेंट में हमें तीन तीन लाइंस बनानी है थ्री वन जीरो थ्री सिक्स नाइन एंड ट्वेल्व हर पोर्शन में हम तीन तीन लाइंस बनाएंगे तो हमें बारह लाइनें मिल जाएंगी लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अब हम तीन लाइनें कैसे बनाएं बायोसेक्शन से तो तीन लाइनें नहीं बन सकती तो आई हैव टोल्ड यू द अल्टरनेट एंगल मेथड कि आप एक एंगल यहाँ पे बनाइए एक एंगल यहाँ पे बनाइए दोनों का एंगल सेम होना चाहिए इट्स अप टू यू आप कौन सा एंगल ले रहे हैं और उसके बाद उसमें आर्क्स लगाएंगे दोनों आर्म्स पर वी हैव डन दैट इन द प्रीवियस क्लासेस ऑफ आप आर्क्स लगाइए तीन लाइनें बनानी हैं तो दो आर्क लगाएंगे और फिर दोनों आर्क्स को ज्वाइन करें तो आपके पास डिस्टेंसेस uh, आ जाएंगे सो वंस यू हैव द डिस्टेंस बाय मेकिंग दैट अब आप क्या करेंगे कंपास लीजिए और लेट मी शो यू पहले मैं ये डिस्टेंसेस मार्क कर लूँ उसके बाद ओके सो एंगल बाइसेक्शन मेथड से आपने ये तीन लाइनें यहाँ पर बना दी हैं तीन सो टेक द कंपास और कंपास को आप रखिए यहाँ पर और कंपास को ओपन कीजिए यहाँ तक इसके बाद कंपास यहाँ रखें इधर मार्क करें फिर कंपास की नेडल यहाँ रखें इधर मार्क करें फिर नेडल यहाँ रखें, रखें फिर यहाँ मार्क करें तो एक दफ़ा आप बाई सेक्शन एक दफ़ा आप अल्टरनेट एंगल्स से सिर्फ एक कंपार्टमेंट को डिवाइड कर लेंगे तो बाकी दोनों आपके खुद ही बन जाएंगे राइट सो वी आर मेकिंग द मेरीडियंस मेरीडियंस आर द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स

So here we have 45 degrees east 60 degrees ओके सो दैट्स हाउ वी हैव लेबल्ड द मेरीडियंस मेरीडियंस के लेबल टॉप लाइन पर आएंगे आई डोंट आई डोंट हैव द स्पेस एट द टॉप सो मैंने अंदर कर दिया है एक लेबल की लाइन ऊपर आएगी और इसी तरह से सेम लेबल की लाइन आप बनाएंगे नीचे एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द ट्रू सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन ठीक है और ये है परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस प्रोजेक्शन तो लेट मी चेंज द टेक्स्ट दिस इज द स्लाइड फ्रॉम द प्रीवियस वन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन ओके So parallel if you see, look at the projection, the parallels are straight lines. So parallels are straight lines. Meridians are also straight lines. Like in meridians up center points originate karte Okay, so I have Raise the rest of the points just to avoid confusion. Okay, so parallels and meridians are straight lines, parallels and meridians meet each other.

पैरेल्स आर नाटमीक्वी डिस्टेंट पैरल इक्वी डिस्टेंट नहीं है बल्कि पैरेल डिस्टेंसेज इंक्रीजेस डिटेंसेज इंक्रीज अवे फ्रॉम इक्वेटर इक्वेटर से आप जैसे जैसे अवे जाते हैं पैरेल का डिस्टेंस इंक्रीज करता जाता है द स्केल्स आर हाईली हाईलीजाजरेटेड टूवर्ड्स द पोल लेंथ ऑफ ऑल द पैरेल इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ इक्वेटर जो इक्वेटर की लेंथ है वही लेंथ बाकी सारे पैरेलेस की भी हैं we'll have to move on to the next one control t okay so the distances are true only along a narrow strip ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर इक्वेटर की बोथ साइड्स पर एक बहुत नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड पर डिस्टेंसेस uh, सही होंगे लाइक हेयर इफ़ दिस इज़ द इक्वेटर तो बस एक छोटी सी पट्टी पर आपको डिस्टेंस सही मिलेंगे और आप जैसे जैसे दूर जाएंगे एग्जैजेशन बढ़ती जाएगी क्योंकि इक्वेटर की जो लेंथ है बाकी सारे पैरल्स इक्वेटर के बराबर नहीं है बल्कि हर पैरेलल की लेंथ इक्वेटर के हिसाब से कम होती है बट इसमें एग्जैज्रेशन है इस प्रोजेक्शन के अंदर हर सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के अंदर कि आपको पोल्स बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड नज़र आएंगे 90 डिग्री नॉर्थ जो है वो एक्चुअल अर्थ में एक पॉइंट है लेकिन इस प्रोजेक्शन के अंदर 90 डिग्री भी इक्वेटर के बराबर लंबी अपेयर होती है बट इन दिस केस 90 डिग्री इज़ नॉट प्रोजेक्टेड क्योंकि ये पर्सपेक्टिव था तो 90 डिग्री पैरेलल था तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 75 डिग्री नॉर्थ तक बना हुआ है लेकिन आगे कुछ सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन uh, आएंगी जिसमें नाइन्टी डिग्री भी प्रोजेक्ट होगा तो और नाइन्टी डिग्री की लेंथ भी इक्वेटर के बराबर होगी सो so, इस वजह से एग्जैजेशन बहुत ज़्यादा है इस प्रोजेक्शन uh, के अंदर So these are the properties, and that's all about cylindrical, the true cylindrical projection.